दोस्तों हमारी फर्स्ट टिप है, इस गेम में आपको अगर ध्यान से आपने देखा हो तो दोस्तों इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड। एंड फूड अगर आप बाहर स्ट्रीट पर या बहुत सारी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिल सकते हैं एंड वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं इसमें। तो अगर आप भी इस गेम का एक मास्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है एंड वहाँ पे आपको सबसे कम ज़ॉम्बीज मिलेंगे। तो दोस्तों हम जाते हैं मैप में और ये जगह है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको टिक लगाकर बता रहा हूँ। तो हम थोड़ा सा मैप को खिसकाएंगे एंड ये चाइना टाउन। दोस्तों इस चाइना टाउन में आपको एक स्टोर मिलेगी, तो अभी मैं जाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों चाइना टाउन में जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एक ग्रोसरी स्टोर एंड जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ढेर सारा खाना। और देखिए दोस्तों सिर्फ यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है, यानी कि यहाँ पर लोवेस्ट ज़ॉम्बी होते हैं एंड आपको बहुत अच्छा खाना यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आपकी हेल्थ कम है तो देन ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 1। तो चलिए चलते हैं आप टिप नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों टिप नंबर 2 है, आपको मैप में एक और जगह मिल जाएगी और उस जगह का नाम है दोस्तों यहाँ पर पुलिस स्टेशन। दोस्तों आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर चले जाएं जिससे कि अदर ज़ॉम्बीज और जो ह्यूमंस है वो आपके वेपन्स नहीं चुरा लें, क्योंकि इस जगह पर आपको सबसे अच्छे वेपन्स मिलते हैं। और अगर आप ये गेम खेलते हैं तो आपको पता है कि इस गेम में वेपन्स कितने ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ग्रेनेड्स, राइफल्स और बहुत बार तो बहुत डिफरेंट टाइप के वेपन्स भी मिल जाते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके गेम स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ उतनी जल्दी जाने की कोशिश करें। तो जैसे मैं अभी यहाँ हूँ तो यहाँ पर मुझे एक शील्ड मिल गई है और इसके साथ में मुझे कुछ बुलेट्स भी मिली हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास फ्लेम थ्रोवर है, ये देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर गन मिल चुकी है और एक गन आप देख सकते हैं कुर्सी पर भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी गन्स होती हैं, अभी तो खैर दो ही है पर मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ एंड मुझे बहुत अच्छी गन्स मिली है और गन्स तो इस गेम में होना ज़रूरी है ही सही। तो चलिए चलते हैं अब हमारी टिप नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों टिप नंबर 3 है ऑलवेज कीप अ वेपन, यानी कि जब भी आप ज़ॉम्बी से लड़ने जाएं कभी भी अपने हाथों से ना लड़ें वरना ज़ॉम्बी आपको काट सकते हैं एंड यू कैन बी टर्न इन टू अ ज़ॉम्बी। तो दोस्तों ऑलवेज कीप अ वेपन, आपके पास गन होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो चलिए हम थोड़ी सी फाइट भी कर लेते हैं। तो चलिए हमने मार दिया है, चलते हैं अब टिप नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों टिप नंबर 4 है ऑलवेज फायर ऑन हेड, यानी कि आपको ज़ॉम्बी को जब भी मारना है तो उसके सिर पर अटैक करना है, क्योंकि अगर आप इसका पूरा शरीर भी काट देंगे तब भी ये नहीं मरेंगे, ये मरेंगे सिर्फ इनके जब आप इनका सिर काट देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर मारता हूँ, अगर आपको एक ज़ॉम्बी दिख रहा हो तो देखिए सिर्फ इसका सिर बचा है। तो अभी हम इस सिर को ही उड़ाएंगे, तो आप सिर की तरफ खड़े हो जाइए और ये देखिए हमने सिर उड़ा दिया है और ज़ॉम्बी मर गया है। आपको एक और ज़ॉम्बी दिख रहा होगा, फिर से मैं इसके सिर की तरफ जाऊंगा और यहाँ से मैं इसके सिर पर जो है गोलियाँ मारूंगा। चलिए गोलियाँ भी ख़त्म हो गई है एंड फूड भी अवर हो गया है, बट कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप जब भी ज़ॉम्बी इसको मारें तो देखिए मैंने एक और को मार दिया है, तो उनके सिर पर अटैक करें, इस बात को आप ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं अब टिप नंबर 5 की तरफ। दोस्तों टिप नंबर 5 है ऑलवेज कीप अ बैकपैक। तो दोस्तों आप बैकपैक ले सकते हैं और बैकपैक में आप चीज़ें भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कोई भी चीज़ उठा लेनी है और उस पर जाके पी वाला बटन जो है आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप देखिए मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, पर आपको ये रखना होगा, इससे आप एक्स्ट्रा जो लगेज है या कुछ भी आइटम्स हैं उन्हें आप रख सकते हैं। तो ये टिप आपको एक प्रो बनने में बहुत काम में की मदद करेगी। तो दोस्तों टिप नंबर 6 है मेक फ्रेंड्स
वेरी मच, यानी कि आप जितने ज़्यादा दोस्तों आप बना सकते हैं उतने बनाएं। दोस्त बनाने के लिए अब करना क्या पड़ेगा, तो आप ये भी पूछेंगे। तो आप जाइए सीधा, और अगर आपको ह्यूमन दिखता है तो उससे जाके बात कीजिए। बहुत बार तो ज़ॉम्बीज के बारे में बोलेंगे, लेकिन अगर आपके वो दोस्त बन जाते हैं, आप अगर वो किसी ज़ॉम्बी कोई ज़ॉम्बी उन्हें मार रहा है और आप उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा चांस है कि वह आपके दोस्त बन जाए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप जितने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं उतने ज़्यादा दोस्त बनाएं, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी मदद करने आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों, हमारी टिप नंबर 7 है, जब भी आपको लॉन्ग राइड पर जाना हो तो आप किसी भी व्हीकल का यूज़ कीजिए। आप जानते होंगे इसमें बाइक आती है, और जैसे ये साइकिल है इसमें आप हॉर्स पे भी बैठ सकते हैं। तो ऑलवेज आपको एक वेपन अपने, मतलब एक व्हीकल अपने साथ रखना चाहिए, ताकि आप जो लॉन्ग जर्नी है आपका मैप है, आप वहाँ आसानी से जा सकें, एंड आप इनसे ज़ॉम्बीज को भी उड़ा सकते हैं, मतलब उनके टक्कर मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा या तो कार रखें, या हो सके तो हॉर्स बड़ा अच्छा होता है, आप हॉर्स रख सकते हैं, हॉर्स जो है किक भी मारता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट टिप, टिप नंबर 8 है, मेक होल्स, यानी कि अगर आपको ये वेपन मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में है, तो अगर आप टी वाला बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये गड्ढा बनने लग जाएगा। तो ये सीक्रेट दरवाजे होते हैं, और ये कहीं पर दूसरी जगह पर जाकर खुलते हैं। तो अगर आप इस तरह से सीक्रेट जो है ये एंट्रेंस बनाएंगे, तो आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, मैं उसमें गया और मैं फैक्ट्री में निकल आया, तो ये एक सीक्रेट वे बन चुका है। तो इस तरीके से हो सके उतने सीक्रेट वेज आप बनाइए। तो चलते हैं अब हमारी टिप नंबर 9 की तरफ। दोस्तों, टिप नंबर 9 है, नेवर गिव अ चांस, यानी कि अगर आप किसी को मारते हैं तो उसे उठने ही मत दीजिए, ताकि वह आपको मार ही ना सके और आप किसी को भी हरा सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके, जैसे कि ये ज़ॉम्बी है, तो पहले तो आप वेपन दे लीजिए, ये हमने इसका सिर काट दिया, ये देखिए उठने ही मत दीजिए, काट दीजिए इन्हें, ये बैठे बैठे ही, हमें इन्हें उठना ही नहीं देना है, जिससे कि ये हमें काट ना सके। ये दोस्तों दिखने में आपको एक छोटी टिप लग सकती है, बट ये इतनी ज़्यादा प्रो टिप है कि अगर आप बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारना चाहते हैं तो देन ये टिप ही आपके काम आएगी। और ये जो वेपन मैंने अभी लिया हुआ है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, आप इसकी जगह एक्स या बहुत सारे वेपन भी आते हैं उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों ही ह्यूमन अब मर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी लास्ट टिप, टिप नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, प्रो बनने के लिए लास्ट टिप ये है कि ऑलवेज ट्राई रेसिपीज, यानी कि दोस्तों आप अपनी खुद की चीज़ें बनाइए, जितना हो सके खुद की चीज़ें बनाइए। रेसिपीज आपको कहाँ मिलेगी, अगर आपको नीचे यहाँ पर टाइम दिख रहा हो, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एंड रेसिपीज पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ रेसिपीज बता दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आपको एक डायमंड मिलता है तो उसमें बहुत सारी सीक्रेट रेसिपीज और हैं, तो आप इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आपको लकड़ी चाहिए तो लकड़ी दोस्तों इस तरीके से किसी पेड़ में मिल जाएगी, और आप इस तरीके से मार कर ले सकते हैं, ये देखिए एक लकड़ी निकल आई, और ये इस तरीके के पत्थरों से आपको पत्थर मिल जाएंगे, इसके साथ आपको फ्रूट भी मिल जाएंगे, और ये जो पत्तियाँ हैं ये आपको झाड़ियों से मिल जाएगी, और झाड़ियाँ बहुत सारी है। और कोई भी चीज़ बनाने के लिए दोस्तों आपको R एंड P वाला बटन एक साथ प्रेस करना है, दोनों चीज़ों को अपने हाथ में पकड़ के, एंड वो चीज़ बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रो टिप्स टॉप 10। अगर आपको इसका मोड एपिक या और कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका मोड एपिक दे दूंगा। एंड इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे बहुत सपोर्ट होगा हमारा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और अपने कमेंट्स आप ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूव होना चाहिए, अगर आपको भी कोई टिप आती है अच्छी वाली तो बताइए, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और अच्छा कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्पित दिस, बाय फॉर नाउ, टेक केयर दोस्तों, और थैंक यू इतना आपसे ढेर सारे लव के लिए, बाय।